अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स 2023 18 मार्च शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले पर। मम्मा। लाला। ओए, तूने कुछ सुना क्या? अरे कुछ नहीं भाई, इतना तेज गाना बज रहा तो सुनेगा ही ना। अरे गाना नहीं यार, मुझे लगा कोई। अरे कुछ नहीं भाई, गाना ही है। जल्दी जल्दी हाथ चला, काम खत्म करके घर भी निकलना है। शायद मेरा ही वहम होगा। ला। रोहित हुई मम्मी वो बेटा इससे डरते नहीं है। ये भी हमारी तरह इस धरती पर जीव है। अगर आप इसको छेड़ोगे नहीं तो ये आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अब धीरे से जाओ और वो खिड़की खोल दो। देखो उसे भी बाहर जाना है। जाओ। अरे देखा कैसे वो बाहर चला गया। आइंदा से कभी भी ऐसी हालात आए तो डरना नहीं है, लंबी सांस लेना है और उस चीज का सामना करना है। ओके मम्मी ने कहा डरना नहीं है। कसम है मुझे मेरे बच्चों की, अगर चूही को कुछ हो गया तो बोया बिस्तर बांध कर तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी मैं। जाने कहा है चूही के साथ में, कहीं उसे कुछ हो ना जाओ, किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई मेरी बच्ची। रुचिता तुमने आखिरी बार जूही को कहाँ देखा था? आखिरी बार पिंकू के साथ जब लड़ाई हुई थी दोनों की, तब देखा था मैंने जूही को आखिरी बार। पिंकू के साथ झगड़ा हुआ था तो पिंकू को कुछ पता होगा। निहार तुम बस पिंकू के पीछे पड़े रहो, इस लड़की ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि फौरन तुम अपने बेटे के खिलाफ हो जाते हो। निहार मॉम अपने बेटे के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन पता करने में क्या हर्ज है? पिंकू, पिंकू, बेटा कहाँ हो आप? निहार कुछ भी होता आप हमेशा पिंकू को क्यों कटघरे में खड़ा कर देते हैं? उसकी जगह कोई और भी होता तभी भी मैं यही करता, क्योंकि बात मेरी बेटी की है। पिंकू बेटा आपने जूही को कहीं देखा? नहीं देखो। सुना तुमने? नहीं पता इसे कहाँ है जूही, अगर इसे कुछ पता होता तो बताता ना। निहार अब तो एक ही रास्ता बचता है, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। एक काम करो निहार, तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचो, हम लोग आसपास में देखते हैं। चलो प्रतीक। जी। मम्मी ने कहा था कि हिम्मत से काम लेना, शायद उन तक आवाज ना पहुँच रही हो, लेकिन खाटू जी प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। चलिए निहार मैं भी आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन चलूं। नहीं दिशा तुम रह लेते, मैं और रुचिता चले जाए। खाटू जी प्लीज मम्मी पापा तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। तो जूही का नहीं आज पक्का जूही बाहर ही गई होगी। हाँ बाहर चल के देखते। इनको के जूतों में इतना कीचड़ कैसे लगा? ये हमारे गार्डन की मिट्टी तो है ना। नहीं आज ये सब छोड़े, अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। सच सच बताओ तुमने तुमने जूही के साथ कुछ किया तो नहीं? इंस्पेक्टर
ये हमारी बेटी जूही है, काफी देर से लापता है। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहीं नहीं मिली। प्लीज हमारी मदद कीजिए इसे ढूंढने में। जी का मामला है, हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। आप बताइए, आपको किसी पर कोई शक है क्या कि आपकी बच्ची कहाँ हो सकती है? शक तो है, वो हमारे घर के पास सीवेज का काम हो रहा है और मुझे लगता है जूही वहीं पे गई होगी, कहीं गड्ढे में ना गिर गई हो। सर हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं थी। ओके, हम जांच वहीं से शुरू करते हैं, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। चलिए आइए। चलो तू इधर देख, तूने जूही को इसमें इस गड्ढे में गिरा दिया। हाँ मम्मी, वो गड्ढा हो गया, मुझे नहीं पता था वो इस गड्ढे में गिर जाएगी। ठीक है, तू अभी रो मत, मेरी बात ध्यान से सुन। एक काम कर, घर के अंदर जा और किसी से कुछ भी मत कहना, समझा? जा चुपचाप जा और ये आंसू पोंछ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चूहे को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे भैया भैया भैया, मेरी बेटी ना इस गड्ढे में गिर गई है, प्लीज आप उसे निकाल दीजिए, बाहर निकाल। क्या मैडम, हद करती हैं आप, बच्चों को भी देखभाल नहीं करती हैं आप लोग, ऐसा कैसे गिर गई गड्ढे में बच्ची? अरे भैया गलती से हो गया, आप प्लीज उसे निकाल दीजिए, आप जितनी कीमत बोलेंगे मैं आपको दूंगी, आप उसे गड्ढे से निकालिए प्लीज। बच्ची को निकालना तो हमारा फर्ज है, हम तो अपना काम करेंगे ही। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी भैया। से निकाली उसे, संभाल के। रुचिता जी, उसकी सांसें चल रही हैं, शायद घबराहट के मारे बेहोश हो गई होगी। क्या आपने इसे बचाया? अगर आपने इंस्पेक्टर को बोला कि मैंने इस बच्ची को गड्ढे से निकाला है, तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। 25,000 लूंगा। ठीक है, 30,000 दूंगी, पर यही बोलना, ठीक है? ठीक। जी हाँ सर, इन्होंने ही अपनी जान पे खेलकर बच्ची को गड्ढे से निकाला। दिशा, थैंक यू सो मच दिशा, आपकी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई, पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। रुचिता जी, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जूही जन्म से ना सही, लेकिन मेरे और निहार जी के रिश्ते के तहत तो मेरी भी बेटी है ना। थैंक यू दिशा। अरे बच्चियां आई कैसे? हमने तो सारे बच्चों को यहां आने से मना किया था। निहार जी, हमने ये मिट्टी पिंकू के जूते पर भी लगा हुआ देखा था, इसका मतलब ये तो नहीं कि पिंकू और जूही यहां पर खेलने आए थे। हे भगवान, पिंकू का नाम ना आए, कुछ करना होगा। दिशा दिशा संभल के। हे भगवान। फिलहाल आप लोग घर जाइए और बच्ची का ध्यान रखिए। चलो आराम से। देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।